चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन मार्च 2018 फार्मा लिमिटेड अक्वायर्स डॉरमैन लिमिटेड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर अ टोटल ऑफ रुपीज 12,000 लैक्स। एट दैट टाइम डॉरमैन लिमिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर एज अंडर। तो आपको पूरे के पूरे एसेट्स लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, आपने उस कंपनी के शेयर्स अक्वायर किए हैं फॉर 12,000 लैक्स, तो हमें बेसिकली 103 लगाना है बिजनेस कॉम्बिनेशन। प्लांट एंड इक्विपमेंट हैज अ फेयर वैल्यू 8,000 एंड अ टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 6,000। सो देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्स बेस एंड एक्विजिशन वैल्यू। तो 6,000 इज द टैक्स बेस और आपका जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका फेयर वैल्यू 8,000 है। द रिसीवेबल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल नेट ऑफ डाउटफुल अलाउंस ऑफ 300 लैक्स। बैड डेट्स आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस व्हेन रिटन ऑफ अगेंस्ट द अलाउंस अकाउंट बाय डॉरमैन लिमिटेड। एम्प्लॉई बेनिफिट लाइबिलिटीज आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स व्हेन पेड। डॉरमैन लिमिटेड ओन्स अ पॉपुलर ब्रांड नेम दैट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज एट्रीब्यूटेड द वैल्यू टू बी 4,300। हाउएवर ब्रांड डज नॉट हैव एनी कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पस एंड नो टैक्स डिडक्शन वॉज अवेलेबल फॉर द सेम। टैक्स रेट 30% कैन बी कंसिडर्ड फॉर ऑल आइटम्स। अज्यूम दैट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑल आइटम्स हैव अ फेयर वैल्यू एंड टैक्स बेस इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट ऑन द एक्विजिशन डेट। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द डिफर्ड टैक्स एसेट एंड डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एंड कैलकुलेट द गुडविल ऑन कंसोलिडेशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि कैश आपको बताया गया है 780। अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट ताकि हम लोग डिफर्ड टैक्सेस का कैलकुलेशन कर सकें। कैश इट इज सेड कि अनलेस नथिंग इज गिवन वी अज्यूम बोथ ऑफ देम टू हैव अ सेम टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। तो इसमें कोई डिफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। देन यू हैव रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स दिख रहे हैं 5,200, दे आर नेट ऑफ 300। सो फॉर टैक्स बेस इट इज 5,500। जब तक कि वो एक्चुअल राइट ऑफ नहीं हो जाते, एक्चुअली बैड डेट्स नहीं हो जाते, तब तक कि आपको टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ने बताया है। तो देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस ऑफ 300 एट अ टैक्स रेट ऑफ 30%, दैट मेक्स इट 90। अभी क्या है, डिफर टैक्स एसेट है, लाइबिलिटी है। देखिए टैक्स बेस 5,500 है, आपका 5,200 है, आपका 5,200 है। क्यों? क्योंकि आपने 300 राइट ऑफ कर दिए, आपने अपने बुक्स में 300 राइट ऑफ कर दिए होंगे इसीलिए। तो 5,200 आपके बुक्स में दिख रहा है तो आपने 300 राइट ऑफ कर दिया, पर डिपार्टमेंट ने वो 300 का डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया। नॉर्मल सी कहानी है कि उन्होंने बोला जब एक्चुअल बैड डेट्स होंगे तब, हम आपको अभी डिडक्शन नहीं दे रहे। यानी डिडक्शन फ्यूचर में मिलेगा, यानी आज राइट ऑफ करने के बाद भी डिपार्टमेंट अगर मना करता है, डिपार्टमेंट मना करता है तो सीधी बात है डिफर टैक्स एसेट क्रिएट होता है। या इन जनरल जो रूल्स हैं इंडिया 12 के, उसमें अगर आप देखेंगे तो वेन एवर टैक्स बेस इज मोर देन कैरिंग अमाउंट एसेट साइड, टैक्स बेस इज मोर देन कैरिंग अमाउंट एसेट साइड, डिफर्ड टैक्स एसेट बनता है। तो इसके ऊपर 90 का डिफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, डिफर्ड टैक्स एसेट सारे के सारे बाहर लिखेंगे और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को यही तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है ये 90 का डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अपने को अकाउंट करना है क्या? मोस्टली वहाँ डिफर्ड टैक्स एसेट दिख रहा है 360, इट वुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। जनरल अजम्पशन इज कि इसकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो गई होगी, हम एक्स्ट्रा अकाउंट नहीं करेंगे कुछ। प्लांट एंड मशीनरी 7,000, फेयर वैल्यू 8,000। सो द फेयर वैल्यू इज 8,000, सो आई शुड राइट ओवर हियर फेयर वैल्यू रादर देन सेइंग कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस तो 6,000 है, यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2,000, 30%, 600। देखा जाए तो अब कहानी उल्टी हो जा रही है। कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस, तो डिफर टैक्स लाइबिलिटी बनना चाहिए। जनरल कॉन्सेप्ट इज कि डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इज हायर देन वॉट इज अपियरिंग इन द बुक्स। तो इसीलिए आपने डिप्रिसिएशन क्लेम ज्यादा कर लिया है तो टैक्स कम भरा होगा, डिफर टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज अ लॉजिक। आप लॉजिक से नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को बस वो रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, रूल के बेसिस पे भी आप इसे कर सकते हैं। सो विद दिस वी विल मूव अहेड। आई होप आपको ये प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अब हमें अकाउंटिंग कितनी की करनी है? मुझे ऐसा लगता है कि कैरिंग अमाउंट इज 7,000, कैरिंग अमाउंट इज 7,000, आपने 8,000 पे लिया। डिपार्टमेंट तो आपको 6,000 पे ही बेनिफिट देगा डेप्रिसिएशन का, आपको 8,000 पे देगा नहीं। तो जो 7,000 और 6,000 का डिफरेंस है उसके लिए डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग तो ऑलरेडी उस एंटिटी ने की होगी ना, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की अकाउंटिंग। 300 का डिटेल आना चाहिए। अगर आप नीचे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी देखोगे तो 300 दिख रहा है,
यानी उन्होंने डीटीएल की अकाउंटिंग की होगी, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस की अकाउंटिंग उन्होंने की होगी, आपने बचे हुए की अकाउंटिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें से 300 की अकाउंटिंग हो गई है, आपसे बचे हुए 300 के डेफर टैक्स लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कीजिए, बाकी का उस एंटिटी ने किया होगा ना, उनके बुक्स में दिख रहा है डीटीए डीटीएल, यू कैन सी इन द क्वेश्चन दे हैव रिटन अकाउंटेड फॉर डीटीए डीटीएल, तो अपन वो सब अकाउंट नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से अकाउंट नहीं होना चाहिए। सो वी आर डन विद प्लांट एंड मशीनरी, डेफर टैक्स असेट 360 दिख रहा है, इसमें और कोई डेफर टैक्स असेट आया तो हम लोग एंड में ऐड कर देंगे। एक बार मैं सब कुछ ऐड कर देता हूँ, तो हो गया 14,340, इसमें एक डेफर टैक्स एसेट ऐड होना चाहिए, पर हमारे कैलकुलेशंस अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप चाहें तो ये टोटल अभी नहीं निकाल के बाद में भी निकाल सकते हैं, मैंने ये टोटल सिर्फ इसलिए निकाल के रखा है कि मुझे बाद में सिर्फ डिफरेंस ऐड करना पड़े। सो आई मूव टूवर्ड द लाइबिलिटी साइड, पेबल्स 1,050, पेबल्स में कोई डिफरेंस नहीं था, सो टैक्स बेस विल ऑल्सो रिमेन द सेम। नेक्स्ट वन इज बोरोइंग्स 4,900, इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं गया है, तो ये भी एज इट इज ले लेंगे हम। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉई एंटाइटलमेंट, देर इज सम अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू द एम्प्लॉईज, एम्प्लॉई एंटाइटलमेंट लाइबिलिटी 900, जनरली इसका टैक्स बेस जीरो होता है एज पर इनकम टैक्स रूल, जब तक आप एम्प्लॉयज को उनकी बेनिफिट्स पे ऑफ नहीं कर देते इट कैन नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते जब तक कि एम्प्लॉयज को बेनिफिट पे ऑफ नहीं हो गया, तो 900 की लाइबिलिटी दिख रही है पर हमने पे नहीं किया है। नाउ वेन एवर द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन टैक्स बेस लाइबिलिटी साइड, डेफर टैक्स असेट बनता है, डेफर टैक्स असेट, तो ये 900 के ऊपर अगर मैं 30% कैलकुलेशन करूँ, सो विच इज 270, अब 270 और इससे पहले का 90 था रिसीवेबल का, दोनों को ऐड करें तो 360 का ही अपने को डेफर्ड टैक्स एसेट दिख रहा है, तो आई बिलीव ये सब अकाउंट हो गए हैं, हमको अब अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, एंड देर इज अ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 300। नाउ देर इज वन मोर एसेट ब्रांड जो अभी अभी आया है, जो आपके इस बिजनेस को टेक ओवर करने के कारण आया है ब्रांड, तो ब्रांड का वैल्यूएशन आपने किया है गिवन एज 4,300, डिपार्टमेंट ऑब्वियसली इसका कोई बेनिफिट नहीं देता, फॉर डिपार्टमेंट द टैक्स बेस इज जीरो फॉर द ब्रांड, सो 4,300 विल हैव अ 1,290 इन फ्यूचर यू विल हैव टू पे टैक्सेस, ऑब्वियसली डिफर टैक्स लाइबिलिटी, तो एक इंक्रीज होगा डिफर टैक्स लाइबिलिटी में 1,290 का, ठीक है, 1,290 का इंक्रीज होगा फ्यूचर में deferred tax liability. So what we'll do is we'll only increase the deferred tax liability. We'll not increase anything else. बाकी सबकी accounting हो गई है हमारे हिसाब से, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और था plant and machinery में you were increasing it by 300 deferred tax liability, तो वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे 300। तो ओवरऑल एसेट साइड नाउ टोटल चेंजेस बाय 4,300 18,640, लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 8,740, अगर हम डिफरेंस निकालें तो आता है 9,900 नेट एसेट्स, जिसके अगेंस्ट में आपने 12,000 पे किया है, सो वी कैन से कि 2,100 का गुडविल आएगा, गुडविल के लिए आप कोई डेफर्ड टैक्स एसेट वगैरह नहीं क्रिएट करते, तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो डेफर्ड टैक्सेस ऑलरेडी सामने वाले ने अकाउंट किए होंगे उनके बुक्स में ऑलरेडी डीटीए डीटीएल दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप उनको हाथ नहीं लगाओगे, उसके अलावा और कोई क्रिएट हो रहा है जैसे ब्रांड आपके कारण क्रिएट हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू में डिफरेंस आपके कारण आ रहा है 1,000 से इंक्रीज, आप सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करोगे और किसी की अकाउंटिंग नहीं करोगे, ठीक है, एंड देन कम्स गुडविल। तो आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा, we move right toward the next question, prepare a value added statement, ab main value added statement banaunga nahi par hum points discuss kar lenge, i hope value added statement aap logo ko banana aata hai, it is a very general question, we are not here to discuss ki ye solve kaise hota hai, we are here to understand inke answers kya kya hai, to sale represents net of adjusting any discount return sales tax, fine hum sales वैसे ही लिखते हैं, operating cost includes 82 lakh of wages and salary to the benefit of employees,
ये टूवर्ड्स एम्प्लॉय चल जाएगा। तो एक्सपेंसेस के अंदर हम उतना पार्ट शिफ्ट कर देंगे। ऊपर हमें दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन, एक जीएसटी दिख रहा है, जीएसटी सेल्स में से डिडक्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी भी जीवीए का पार्ट होता है, सेल्स में से डिडक्ट होगा क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर का इंटरेस्ट है। 9% डिबेंचर इंटरेस्ट इज ऑन लॉन्ग टर्म लोन ऑब्वियसली, तो ये आपका नीचे टूवर्ड्स फाइनेंसर्स चले जाएगा। डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग्स में चले जाएगा, टैक्सेस गवर्नमेंट में चले जाएंगे, डिविडेंड टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स चले जाएगा। तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो विल नॉट डिस्कस दिस पार्ट राइट नाउ। वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5A1। नाउ इट्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चन आई बिलीव पिछले अटेम्प्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बट स्टिल दे हैव गिवन इट, सो विल डिस्कस इट। ऑन 1 April 2014 एस इशूड 5008% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 ईच मैच्योरिंग ऑन 31 March 2019। सो 14 में आपने इशू किया है, 15, 16, 17, 18, 19 फाइव ईयर्स मैच्योरिटी है। द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली एनुअली ऑन द डेट ऑफ इशू एच कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। तो ये आपको बता रहा है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा आज के मार्केट रेट से, और डिफरेंस को आप इक्विटी कंपोनेंट बोलोगे, है ना, डिफरेंस को। दोज हैव स्टडीड इन डेज 32 तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी है। नथिंग, वट एवर इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट, एवरी थिंग शुड बी कन्वर्टेड एट 12, डिस्काउंटेड एट 12% रेट। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विटी कंपोनेंट। ओके, ऑन द डेट ऑफ इशू एस कुड हैव ऑन 1 April 2017। अब 1 April 2017 पर हम बाद में जाएंगे, पहले हमारे पास जितना डेटा है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। सो 1 April 2014 का पोजीशन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इसके अंदर में। तो जो डिबेंचर्स है वो आपको बताए गए हैं, 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच जिस पे 8% इंटरेस्ट आ रहा है, 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच जिस पे 8% इंटरेस्ट आ रहा है, 40000 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 12% 5 years, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैच्योरिटी पे 105 के हिसाब से देना है। सो इट इज 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर 12% 5th year, 12% 5th year। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब पीवी फैक्टर्स जो दिए हैं हम वही यूज़ करेंगे, हमें 12% के पीवी फैक्टर दिए हैं, मैं सब ऐड कर लेता हूँ, 893 797 712 636 567, सो 3.605 प्लस 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.567, फोर लाख 41,875। ये हो गया हमारा डेट कंपोनेंट। तो इक्विटी कंपोनेंट क्या होगा, आज हमको पैसे 5 लाख मिले हैं, आज कितने मिले हैं उससे कंपेयर करो, तो 5 लाख से अगर मैं कंपेयर करूं तो 58,125। तो हमारा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू डेट कंपोनेंट 4,41,875 टू इक्विटी कंपोनेंट 58,125। डेट कंपोनेंट गोज इन टू योर लाइबिलिटी साइड, इक्विटी कंपोनेंट आपके अदर इक्विटी में चले जाएगा। तो ये हो गई हमारी इनिशियल अकाउंटिंग, तो आई होप ये यहाँ तक ये क्लियर होगा। फिर उसने बोला 1 April 2017 डिबेंचर्स एट अ फेयर वैल्यू 5,25,000, सी मेड अ टेंडर ऑफर टू द होल्डर्स विद द एक्सेप्टेड ऑन द डेट ऑफ रीपर्चेज एस कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एट 9%। अब दो सवाल उठते हैं, एक हमारे बुक्स में इंस्ट्रूमेंट दिख कितने पे रहे हैं, दो इनकी फेयर वैल्यू क्या है। मुझे दोनों चीज़ें लगेगी, मुझे कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं डेट कंपोनेंट की। फेयर वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, रिमेनिंग इंटरेस्ट को उस दिन के मार्केट रेट से डिस्काउंट कीजिए। 1 April 2017 में जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है, 1 April 2017, तो 31 March 2018, 31 March 2019, दो साल बचे हैं, दो साल के इंटरेस्ट को 9% से डिस्काउंट करेंगे। अब ध्यान रखिए, यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 April 17,
तो हम पहले दो पीवी फैक्टर लेंगे ईयर वन ईयर टू। आप ये मत बोलना सर अब ईयर फोर ईयर फाइव ऐड करना, ना यू आर स्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 17, सो यू टेक द पीवी फैक्टर्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। तो अब मैं जो इंटरेस्ट फैक्टर लूंगा वो 9% के लूंगा, क्यों? क्योंकि उस दिन का मार्केट रेट है। मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट इज 0.917 9% पे एंड 0.842, आप दोनों को ऐड कर दे तो 1.759 1.759 एंड एंड में मेच्योरिटी पे 5,25,000 मिलने वाले थे, यानी कि 842 पे 2 साल के बाद। तो अगर मैं ये पूरा ऐड कर दूं तो ये फेयर वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ रहा है 5,12,410 5,12,410। रही बात कॉस्ट की, तो दिस लोन जो 441 दिख रहा था उसकी अकाउंटिंग आपने कैसे की होगी? आपने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से की होगी। तो आपने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे क्या किया होगा? आपने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में 4,41,875 पे अब हर साल 12% इंटरेस्ट चार्ज किया होगा और माइनस किया गया होगा जो अमाउंट आपको मिला 40,000, और आपने ये प्रोसेस रिपीट किया 3 ईयर्स के लिए, 3 साल तक, 1 अप्रैल 31 मार्च 15 16 एंड 31 मार्च 17, ताकि हम 1 अप्रैल 17 पे पहुंचे। यानी कैलकुलेटर पे अगर मैं 441875 में 12% ऐड करूं तो होता है 494,900, उसमें 40,000 माइनस हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर फिर 12% ऐड करूं हो जाएगा 509488 माइनस 40,000, 469488, ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेट कर लीजिएगा। वापस एक बार 12% ऐड किया माइनस 40,000, ठीक है, तो हो जाएगा 485826। तो ये हमारे बुक्स में वैल्यू दिख रही होगी, 485827 कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम रिमेनिंग कैश फ्लो को पुराने रेट पे ही डिस्काउंट कर दें, पुराना रेट 12% पुराने रेट पे ही डिस्काउंट कर दें। तो 12% के पहले 2 साल के अगर मैं रेट ले लूँ, 12% के 0.893 0.797 तो 1.68 होता है, 1.68 प्लस 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.787 तो ये आता है 483.75, ये डिफरेंस आ गया। ओके 0.797 है और ये 1.69 है, तो हमारा टोटल आ रहा है 486025। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आंसर में, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट द वैल्यू टर्न्स आउट टू बी सेम। तो ये लॉजिक है उसके पीछे, आप या तो रिमेनिंग कैश फ्लो को डिस्काउंट करके लेके आ जाइए या फिर पुराने वाले पे ही अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड 3 साल लगा लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस, आंसर सेम आना चाहिए। रही बात इक्विटी कंपोनेंट की, इक्विटी कंपोनेंट का कॉस्ट जनरली हम चेंज नहीं करते, एक बार अकाउंट हो गया तो उसका वही रिकॉग्निशन रहता है। पर अगर फेयर वैल्यू की बात करें, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में, पर पूरे इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू 5,25,000 है। आज मार्केट में पूरे इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू 5,25,000 है, तो 5,25,000 को 512,410 से कंपेयर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विटी कंपोनेंट का फेयर वैल्यू 12,590 होगा, विच इज रिड्यूस्ड 12,590 होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसकी जनरली अकाउंटिंग कैसे होगी? अब आप रीपर्चेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर पेइंग 5,25,000। आपके बुक्स में जो डेट दिख रहा था आप उसे राइट ऑफ कर दोगे 486025, जिसके लिए आपने बेसिकली पे किया है फेयर वैल्यू 512,410। जब भी लायबिलिटी के लिए प्रीमियम पे किया जाता है तो प्रीमियम पीएनएल में जाता है, इट इज अ रूल, बराबर। लायबिलिटी जब भी प्रीमियम पे बाय बैक की जाती है तो डिफरेंस पीएनएल में जाता है।
आपने 486 के इंस्ट्रूमेंट के लिए आज ऑब्वियसली फेयर वैल्यू पे बाई बैक किया है, क्वेश्चन बोल रहा है फेयर वैल्यू पे बाई बैक किया विच इज 512410। तो जो भी डिफरेंस आएगा 512410 और 486025 26385 विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। ठीक है, फिर आपने इक्विटी कंपोनेंट भी बाय बैक किया है, इक्विटी कंपोनेंट आपके बुक्स में 58125 का दिख रहा था, ऑब्वियसली वो भी आप डेबिट कर दोगे, पर उसके लिए आपने पैसे बहुत कम दिए हैं, 12590 विच इज़ कंपेरेटिवली वेरी चीप, हम बोल सकते हैं कम पैसे दिए हैं। जब भी आप अपने शेयर्स बाय बैक करते हो तो आप शेयर प्रीमियम में डालते हो डिफरेंस, बराबर है, या जनरल रिजर्व्स, इसलिए यहाँ भी जो डिफरेंस आ रहा है वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 58125 12590 45535 गोज टू योर जनरल रिजर्व। तो इस तरह से टैली होता है। ओके, सो दोज हु हैव बॉट द मॉड्यूल, हम लोगों ने क्वेश्चन डिटेल में न्यू सिलेबस के अंदर में भी सॉल्व किया है, अगर बाई चांस यहाँ थोड़ा कुछ फास्ट लगा तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। फॉर अदर्स अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर 8 वीडियोज़ डाले हैं, जिसमें से एक वीडियो के अंदर में ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व है, नॉट विद सेम फिगर्स, डिफरेंट फिगर, 1000 रुपीज़ का ही डिवेंचर है विद दीज को कैलकुलेशंस, बहुत डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। पिछले बार के MTP में भी ये क्वेश्चन था, RTP में, वहाँ भी सॉल्व है, आपको कहीं ना कहीं इसका वीडियो मैंने यूट्यूब में कम से कम 5-6 बार डाला है। अगर आपको लॉजिक समझ गया होगा, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आया, अज्यूमिंग कि आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, मेरे मॉड्यूल में भी है, पहले मैंने जो वीडियोज़ डाले हैं वहाँ पर भी है, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ा होगा, इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ फास्ट ट्रैक कैलकुलेशन। नहीं समझे तो प्लीज़ लॉजिक्स वहाँ देख लेना, लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप डेट बाय बैक करते हो तो प्रीमियम गोज़ टू PNL एंड ऑब्वियसली यू आर बाइंग एट फेयर वैल्यू, और जब भी आप इक्विटी बाय बैक करते हो डिफरेंस गोज़ टू अदर इक्विटी, दैट इज़ रिजर्व एंड सरप्लस, और हमने दोनों की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की, कॉस्ट जो हमारे बुक्स में कैरिंग अमाउंट थी, फेयर वैल्यू जो हमने पे किया 525 इज़ वॉट वी हैड ऑफर्ड टू बाय बैक। तो कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया। एक काम करते हैं, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।